प्रणाम दोस्तों, यूपी के अयोध्या में भव्य राम मंदिर अब आकार ले रहा है। बस कुछ ही महीने बाद राम लल्ला अपने घर में विराजमान होंगे और भक्तों को अद्भुत दर्शन देंगे। वैसे तो संपूर्ण मंदिर का निर्माण 2025 तक पूरा होगा, लेकिन जनवरी 24 में भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, जबकि दिसंबर 23 तक मंदिर के पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि दिसंबर 2023 के पहले अयोध्या में बन रहे निर्माणाधीन मंदिर में क्या क्या पूरा होगा। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से बनाए जा रहे हैं भगवान राम के मंदिर के प्रथम चरण का काम लगभग 80% पूरा हो गया है। लगभग 160 स्तंभ लगाए जा चुके हैं। मंदिर में जहाँ भगवान विराजमान होंगे उस गर्भगृह का काम भी लगभग 90% पूरा हो गया है। एक तरफ भव्य मंदिर तीव्र गति के साथ बन रहा है तो दूसरी तरफ भगवान राम लल्ला की अचल प्रतिमा भी अब आकार ले रही है। यात्री सुविधा केंद्र मंदिर परिसर के अंदर दिसंबर 2023 तक भगवान राम के मंदिर के प्रथम चरण के काम के तहत मंदिर के 5 मंडप बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा मंदिर में जो 160 स्तंभ बनाए गए हैं उस पर भगवान राम के जीवन पर आधारित आकृतियां उकेरने का काम भी पूरा हो जाएगा। इसके साथ यात्री सुविधा केंद्र के परिसर के अंदर बिजली की व्यवस्था पूर्ण कर ली जाएगी। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा के मुताबिक 30 दिसंबर तक इन कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गर्भगृह सहित 5 मंडप का काम होगा पूरा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भवन निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के प्रथम चरण के काम को 30 दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मंदिर के गर्भगृह सहित 5 मंडप शामिल हैं। इसके अलावा 25,000 यात्री क्षमता वाले सुविधा केंद्र बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं 160 स्तंभों पर भगवान राम के जीवन पर आधारित आकृतियां उकेरने का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल सात्विक नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।